वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले। जैसा कि अक्सर एक क्वेश्चन जब हम स्टेट लेवल का एग्जाम देने बैठते हैं, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हों, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, या आप बात करें यूपी पीसीएस की, तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं और कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल 75 जिले हैं। कितने? 18 मंडल और 75 जिले हैं। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं 18 मंडल कौन कौन से। अब मंडल से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से शहर हैं, आपको ऑप्शंस दे देगा उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, प्रतापगढ़। अब आपको देखना है कि लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं या कितने शहर हैं, अगर आपको पता है तभी आप सही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है जानना 18 के 18 मंडल के बारे में। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे 18 मंडल और उनमें कौन कौन से जिले स्थित हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंडल जो है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले स्थित हैं, या हम बात करें कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो इसमें 3 शहर हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। फिर आता है दूसरा मुरादाबाद। मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, यानी इसमें 3 जिले हैं। और इसमें देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी मुरादाबाद में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। फिर बरेली मंडल के अंतर्गत बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, यानी 4 शहर स्थित हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने शहर हैं, 6 हैं। इसके बाद है देवीपाटन। देवीपाटन जो मंडल है जिसका मुख्यालय गोंडा है, इसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, यानी इसमें कितने जिले स्थित हैं, 4 जिले स्थित हैं। देवीपाटन के बाद बात करेंगे बस्ती। बस्ती भी मंडल बन चुका है जैसा कि आपको पता ही होगा। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, यानी 3 जिले स्थित हैं। फिर है गोरखपुर। गोरखपुर में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, यानी 4 जिले हैं। फिर है मेरठ। मेरठ में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले इसमें भी हैं। अलीगढ़ भी नया मंडल जो कि बन गया है, आपको पता होगा अलीगढ़, डाटा, हाथरस, कासगंज, इसमें 4 जिले स्थित हैं। फिर है दसवां आगरा। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, यानी इसमें भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 जिले या 4 शहर हैं। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से शहर हैं, तभी ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके अंतर्गत आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया, यानी कितने शहर हैं, या फिर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शहर इसमें भी स्थित हैं। किसमें? कानपुर मंडल में। फिर है 12 फैजाबाद। फैजाबाद का जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही ताज में नाम चेंज कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी जैसा कि दिवाली पे एक खुशखबरी दिया है कि अब फैजाबाद मंडल का नाम, फैजाबाद का नाम बदल कर इसका नाम अयोध्या रख दिया गया है। तो अभी चेंज होगा, अभी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं फैजाबाद मंडल में, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अभी तो यहाँ पे आपको फैजाबाद मंडल दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये फैजाबाद की जगह बदल के आ जाए अयोध्या मंडल। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद है 13 नंबर आजमगढ़। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया और मऊ, यानी 3 शहर हैं। झांसी मंडल में झांसी, ललितपुर, जालौन, 3 शहर हैं। चित्रकूट धाम जिसका मुख्यालय बांदा है,
हाँ, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, यानी इसमें कौन कौन से शहर हैं, चार शहर हैं। देखिए चित्रकूट धाम जो होता है इसका मुख्यालय बांदा से जब लिया जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश में इसका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि जो चित्रकूट धाम है इसका कुछ हिस्सा जो है बात करें तो एमपी में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, यानी चित्रकूट धाम अकेले कहने से काम नहीं बनेगा। इसीलिए चित्रकूट धाम का जो मुख्यालय बांदा में है ये उत्तर प्रदेश में लगाता है, बाकी जो है उसे हटके हैं। चलिए 15 के बाद 16वां मंडल देखते हैं, यूपी का कौन सा है, इलाहाबाद मंडल। इसमें इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी ये मंडल स्थित हैं। देखिए इसका भी अब मंडल कैसे बनता है आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद लिया तो इसमें इसके देखा जाएगा कौन कौन से शहर इससे सटे हुए हैं। तो इधर आएंगे आप जब उत्तर साइड तो ये प्रतापगढ़, इधर फतेहपुर, उधर कौशाम्बी, यानी 1, 2, 3, 4 यानी चार शहर स्थित हैं। वाराणसी मंडल जो है इसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली यानी चार शहर स्थित हैं। देखिए 18वां मंडल है आपका मिर्जापुर, जिसके अंतर्गत तीन जिले स्थित हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। भदोही जैसा कि आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कार्बेट के लिए जो है देश में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। पहले ये जिला जो है वाराणसी के अंतर्गत ही था लेकिन बाद में इसे निकाल दिया गया और एक अलग जिला बना दिया गया। जैसा कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में बनते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो उत्पत्ति या पूछ लेता है कि भदोही जिला जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश का ये 65वां जिला था। भदोही उत्तर प्रदेश का 65वां जिला था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो इस जिले की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी 30 जून 1994 को ये नया जिला बना था। कब? 30 जून 1994 को भदोही के नाम से उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में हुई, लेकिन बाद में मायावती सरकार ने इसका नाम बदल दिया था, संत रविदास नगर रख दिया था। फिर 6 दिसंबर 2014 को, कब? 6 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुनः भदोही नाम रख दिया। यह जिला कारपेट सिटी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कारपेट सिटी की जब बात आती है तो उसका नाम आ जाता है भदोही का। यह उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख जनपद वाराणसी से 1996 में बना संत रविदास नगर जिला आमजन के द्वारा भदोही नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर की सीमाओं को स्पर्श करता यह जिला अपने कालीन उद्योग के कारण ही विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध है। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, हो सकता है फिर से अभी योगी राज चल रहा है फिर से इसका नाम चेंज कर दिया जाए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशंस में। जो नाम चेंज हो रहा है, कई सारे शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज हो रहे हैं, तो इन सब पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।